तो भाई अब देखो रॉडविलर का एग्रेसिव मूड, भाई देखो कैसे आवाज़ कर रहा है और इसे जो वो नहाना चाहता है, इसलिए हमें भूख रहा है, भूख के बोल रहा है भाई हमें नहाओ, उसे पानी फेल दिया क्योंकि छत बहुत गर्मी है, इसलिए छत पे पानी फेंक दिया बस पैरों पे, जो गर्मी नहीं हो तो खुद ब खुद नहा रहा है। देखो भाई खुद ब खुद नहा रहा है वो बहुत गर्मी है हमारे यहाँ ये इस तरफ, तो नहा खुद ब खुद नहा रहा है भाई। देखो उसके से हंसी भी आएगा पर वो कैसे भी करके खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है, पानी पी रहा है, भौंक रहा है, पानी को भी काट रहा है। तो भाई देखो कि रॉटविलर हर वक्त एग्रेसिव नहीं होता, जब कोई उस पर अटैक करता है उसको देखता है कि वो ओनर के पास कोई अटैक हो रहा है तभी वो एग्रेसिव हो जाता है। बाकी सभी ठीक है, आप रॉटविलर अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर अगर आप उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये है मेरा डॉग रॉटविलर जैक, मैं इसे 2 साल से पाल रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत कमेंट करके पूछा है कि इसका उम्र क्या है, तो इसका उम्र 2 साल 3 महीने है। मैंने इसके हर तरह के वैक्सीन भी दे दिया है। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि रॉटविलर का मंथली कॉस्ट कितना पड़ता है, देखो भाई मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मैं इसे पालता हूँ अगर लो बजट में, मैं इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करता क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इसका खर्चा मैं ही चलाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर मैं क्या खिलाता हूँ, कैसे पालता हूँ, कैसे कैसे वैक्सीन करता हूँ, अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए हमारी, और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप लोगों को सब कुछ बता दूँगा, अगर बुखार हो तो क्या करना चाहिए सब कुछ। प्लीज़ सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए।